नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि गोइत्रा। शनि, जिन्हें दुनिया न्यायाधीश के नाम से भी जानती, कहते हैं शनि न्याय के देवता, जो व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल देते। और ठीक ऐसा ही है शनि देव का प्रिय रत्न नीलम, जिसे लेकर कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति को ये रत्न सकारात्मक परिणाम देता है, उसका जीवन सुख संपदा और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर ये अपना बुरा प्रभाव छोड़ने पर आता है तो व्यक्ति को भिखारी भी बना देता है। यही वजह भी है कि इस रत्न को धारण करने से पहले आपको इसे जांचने की भी जरूरत होगी। ऐसे में किन राशि वालों के भाग्य के सितारे चमका देता है नीलम, और किन्हें इस रत्न को करना चाहिए धारण, चलिए बताते हैं। कुंभ और मकर राशि वालों को शनि की राशि कहा जाता है। ऐसे में इन दोनों राशि वाले जातकों को नीलम पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसे यूं धारण करना नुकसान भी दे सकता है। ऐसे में शनि की राशि वाले जातकों को भी नीलम पहनने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। सुनने में आता है या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि और या मकर लग्न, कुंभ लग्न या कुंभ राशि, इसके स्वामी शनि होते हैं। तो इस दोनों लग्न में, चूंकि मकर लग्न में भी दूसरा भाव के स्वामी होने के कारण शनि जो है अरिष्टदायक हैं, इसलिए ध्यान रहे केवल राशि हो जाने से आप नीलम न पहने। यह नीलम मकर लग्नों वाले के लिए परेशानी दे सकता है। केवल राशि में बैठने से और आप नीलम नहीं पहन सकते हैं। आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, शनि कहाँ बैठे हैं, किस प्रकार बैठते हैं और किस स्थिति में है, इसका विचार निश्चित रूप से करें। वृषभ लग्न वाले के लिए कारक जो होते हैं वह शनि होते हैं, तो वृषभ लग्न वाले निश्चित रूप से नीलम पहने। इनके कार्य क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। खासकर कुंभ लग्न वाले और वृषभ लग्न वाले अगर नीलम पहनते हैं तो इनके हर एक दृष्टिकोण में उनकी उन्नति होगी और बेहतरी होगी। उसमें भी ध्यान रहे कि आप रक्तमुखी नीलम न पहने। रक्तमुखी नीलम वो परेशानी देता है और कष्ट देता है। आपके कुंडली में शनि अगर अच्छे भाव में है तो इसके लिए निश्चित रूप से जन्मपत्रिका दिखाकर आपको रत्न धारण करना चाहिए। रत्न किसी बड़े शत्रुओं से भी बढ़कर है, इसलिए अगर आपके कुंडली में रत्न शुभ ग्रह बने हुए हैं, अच्छे जगह बने हुए हैं, अगर पहनने की स्थिति ठीक है तो किसी अच्छे विशेषज्ञ से दिखाई के धारण करें। इसलिए ध्यान रखें कि वृषभ लग्न के लिए अगर अष्टम में, छठे में या कहीं और गलत जगह नहीं बैठे हैं, जैसे त्रिखट एकादशी जो होता है, राहु शनि और ये सब तो लाभ देता ही है, लेकिन आप देख ले कि राहु अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार में आपके लिए अगर अच्छा भी है लेकिन वह ग्रहण लगा के बैठा हुआ है, किसी भी प्रकार के ग्रहण के साथ अगर शनि है तो, या आपके अष्टम स्थान में, आपके शत्रु स्थान में है या अस्त है, तो इन परिस्थितियों में बिना विचार किए नीलम धारण करना उस ग्रह के प्रॉपर्टी को और बढ़ा देता है और परेशानियां देता है। वहीं जिन लोगों की कुंडली में शनि कमजोर, वक्री और अस्त है, या फिर शनि शुभ भाव में बैठे हैं या शुभ भावों के स्वामी हैं, तो भी आप नीलम धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शनि चौथे, पांचवें, दसवें या ग्यारहवें भाव में, तो ऐसे जातक को ज्योतिष की सलाह पर ही नीलम धारण करना चाहिए। वही कुंडली में अगर शनि षष्ठेश या अष्टमेश के साथ बैठा हो तो भी नीलम जातकों को शुभ प्रभाव देता है। यानी अगर आपकी कुंडली में शनि अपने भाव से छठे या आठवें स्थान पर हो तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। शुभ भाव का प्रतिनिधित्व के साथ साथ जब शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती या अठैया की अवधि चल रही हो तो भी आप नीलम धारण कर सकते हैं। वही बात अब अगर इसे धारण करने की करें तो नीलम रत्न को घर पर लाने के बाद उसे गंगा जल से भरे किसी पात्र में रख देना चाहिए और शनिवार के दिन धारण कर इसके प्रभाव के बारे में ध्यान से देखना चाहिए। नीलम को शनिवार के दिन दाएं हाथ की मध्यम उंगली में धारण किया जाना चाहिए।
लेकिन जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि नीलम रत्न को पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाकर सलाह जरूर लें, क्योंकि जब किसी की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है तो नीलम धारण से परेशानियां और भी बढ़ जाती। ऐसे में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से जाने किन राशि वाले जातकों को नीलम पहनने से बचना चाहिए। शनि बनाए धनी, अगर आपके कुंडली में शनि अगर अच्छे हैं तो वो आपको धनी बनाएंगे, बेहतरी करेंगे और जीवन में उन्नति देंगे। लेकिन खासकर अगर शनि आपके अशुभ हैं, खासकर दो राशि लग्न वाले को निश्चित रूप से इन्हें नीलम जीवन में कभी नहीं पहनना चाहिए। पहला जो है वह कर्क लग्न है। कर्क लग्न के लिए सातवें भाव का जो स्वामी होता है वह जो होता है वह शनि होता है। सातवां भाव जो है मारक स्थान भी है। सातवां स्थान ज्वाइंट वेंचर वाला काम है, कर्जदारी वाला है, परेशानी वाला है, दुर्घटना वाला है। इसलिए कर्क लग्न वाले के लिए शनि जो है वो मार्केस का काम करता है। सप्तम भाव से जितने चीज देखे जाते हैं उसको क्षति करेगा। तो निश्चित रूप से सिंह लग्न वाले को, खासकर कर्क राशि वाले को, कर्क राशि वाले को निश्चित रूप से नीलम नहीं पहनना चाहिए। साथ ही सिंह लग्न, एक कर्क लग्न हो गया, कर्क लग्न वाले को नहीं पहनना चाहिए। ठीक उसी प्रकार सिंह लग्न के लिए भी सबसे ज्यादा जो देखा जाता है कि डाइवोर्स की स्थिति बनती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, परेशानियां बनी रहती हैं, केस मुकदमा या कई प्रकार की परेशानियां देखने को मिलते हैं, इसके मुख्यतः इस कुंडली के दोनों लग्न के, जो मैं बात कर रहा हूँ सिंह लग्न और कर्क लग्न के, ये दोनों भाव के जो सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं वह शनि होते हैं। तो भूल कर भी इस लग्न के जातक को नीलम नहीं पहनना चाहिए। नीलम पहनने से आर्थिक परेशानियां, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में दुराव, डाइवोर्स, कर्जदारी, कई प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि कर्क राशि वाले और सिंह राशि वाले, कर्क लग्न वाले और सिंह लग्न वाले जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में कितने ही क्यों न शुभ ग्रह हो आप शनि का रत्न न पहने। खासकर सुनने में आता है या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि और या मकर लग्न, कुंभ लग्न या कुंभ राशि, इसके स्वामी शनि होते हैं। तो इस दोनों लग्न में, चूंकि मकर लग्न में भी दूसरा भाव के स्वामी होने के कारण शनि जो है अरिष्टदायक हैं, इसलिए ध्यान रहे केवल राशि हो जाने से आप नीलम न पहने। यह नीलम मकर लग्न वाले के लिए परेशानी का परेशानी दे सकता है। केवल राशि में बैठने से और आप नीलम नहीं पहन सकते हैं।